गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर एसवीएमएल का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेड। दो वेक्टर दिया गया है, ए और बी। ए का एंगल बनाया है 20 डिग्री एक्स एक्सिस से, और बी जो है 110 डिग्री का एंगल बनाया है। देखिए इस टाइप से समझिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए जो है वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, कितना बना रहा है, कौन सा है, ए वेक्टर, वेक्टर ए। और बी जो है वो 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो करीब ये बी है, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो ये आपस में एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे, 110 माइनस 20 दैट इज 90 डिग्री। मतलब ये दोनों के बीच के, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके बीच का रिजल्टेंट, एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर, तो इसके बीच का रिजल्टेंट इधर आर कहें इसके बीच में लगेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वेक्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है, a कितना दिया है 3 मीटर और b दिया है 4 मीटर। तो a का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4, और कॉस कितना डिग्री का कोण बना दोनों के बीच का, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का रूट, तो 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस 90 का वैल्यू हो गया 1। सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो इसको लिख के कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये हो गया 25 का रूट, दैट इज आर का वैल्यू आया 5, आर का वैल्यू 5, रिजल्टेंट का वैल्यू है 5। तो अब कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल निकालना है। तो एंगल मान लीजिए रिजल्टेंट का बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू बी टेन बीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा तो टेन बीटा निकालना, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे निकल जाएगा बी साइन थीटा, साइन बी का वैल्यू है आपका 4, 4 इंटू साइन 90 डिग्री बाई ए हो गया 3 प्लस 4 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो बचा 4 साइन 90 का वैल्यू 1, तो 4 बाई 3, टेन बीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 बाई 3। कौन सा एंगल टेन का होगा जो 4 बाई 3 होगा, दैट इज दिस इज 50
3 डिग्री, दैट इज 53 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो ये 20 डिग्री और एलिवेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ क्या, एंगल आर का, ठीक है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 53 प्लस 20 डिग्री, दैट इज 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 73 डिग्री, तो आर का वैल्यू 5 मीटर और एंगल, एंड एंगल 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिस इज योर आंसर पहला। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है ए और बी, मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया हुआ, 10 यूनिट ईच, इफ़ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये एक्स एक्सिस है, 30 डिग्री एक है, दूसरा 60 डिग्री में है, ठीक है, दोनों का ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, ये 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, तो फाइंड द रिजल्टेंट, कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का वेक्टर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60, ये 60 है, 30 है, माने थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकलेगा, 60 माइनस 30, दैट इज 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पूरा का रूट, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस 200 √3/2 का रूट, ये ख़त्म, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो गया, इसका होगा वैल्यू 1.732, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 प्लस 100 प्लस 100, तो 173, 273, 373, दैट इज 373.2 का रूट, 100 जोड़ दिए, 173 प्लस 100 प्लस 100, 373 का रूट, तो 20 का रूट कहते हैं तुम लोग, 400 आता है, तो ये करीब 19 के आसपास आएगा, 19.32 यूनिट, मीटर वीटर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट ही लिख देंगे, 19.32 यूनिट्स। ये आर का वैल्यू निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया, ठीक है, अब एंगल निकालना है, ये 10-10 यूनिट था, ये 19 आया रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट निकालेंगे, आर इज इक्वल, सॉरी, टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा बाई बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा 30 डिग्री, तो बी का वैल्यू हर 10 है, 10 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, दैट इज 10 इंटू 1/2 बाई 10 प्लस 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 10 by 2, 10 को कॉमन, 10 इंटू 1/2 डिवाइड, इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3/2,
टू, तो ये 10 ख़त्म, 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए तो ये आया 1/2 + √3, 1/2 + √3 किसका वैल्यू आया, 10 बीटा का, तो बीटा इसको सॉल्व करने पे बीटा करीब आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0269 और बीटा इज इक्वल टू 10 inverse 0.269, तो ये आपका करीब 15 डिग्री के बराबर है। तो 15 डिग्री के बराबर है बीटा किससे, ए से, तो आपको फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है तो कितना ऐड करना होगा, 30 ऐड करना होगा, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ये 15 to 15 है प्लस ये 30 डिग्री जो एलिवेट किए थे हम लोग 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब 30 है या 60 है, बीच में कहीं ऐसा है, तो ये होगा आपका 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये 10 वैल्यू है, इसका भी 10 वैल्यू है, इसका 19.32 वैल्यू है, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोलता है एड वेक्टर ए बी एंड सी, तीन वेक्टर है तीनों को जोड़ना है, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट ईच, तीनों कितना मैग्नीट्यूड है 100, इफ़ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तीन वेक्टर तीन एंगल दिया हुआ है, इस तीनों को जोड़ कर दिखाना है, एक्स एक्सिस से ऐसे बोल रहा है, अच्छा ऐसे करने से नहीं होगा, पहला है 45 डिग्री पर, दूसरा है 135 डिग्री पे, तो 90 जोड़ देंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, हाँ मतलब इससे 90 डिग्री पे है, और तीसरा जो है वो 135 में 80 जोड़ देंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री मतलब इधर एकदम दिख रहा है, ये कितना है, ये 45 डिग्री पे है, ये कितना पे है, ये कितना पे है, ये है 135 डिग्री पे है, अब वो कितना पे है, ये पूरा ऐसे घूम के आएगा ये 315 डिग्री पे, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको ऐड करना, ये दोनों अपोजिट है तो क्या होगा, कट जाएगा वेक्टर में तो कटता है, ठीक है, तो तीनों को जोड़ना है, 100 100 100 बराबर इसीलिए दोनों कट जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालने का तरीका अगर सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख के समझ में आएगा दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका आंसर होगा ये सिर्फ ये बचेगा, दैट इज 100 यूनिट और 45 डिग्री एंगल बचेगा, बाकी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेकिन इसको बना कर अगर दिखाने का बात आएगा तो कैसे दिखाएंगे, तो एक एक वेक्टर का हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो मानिए इस वाले वेक्टर का वेक्टर ए का निकालते हैं एक्स और एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 100 cos 45 degree, इधर गिर जाएगा 100 cos 45 degree, cos 45 का वैल्यू 1/2, दैट इज 100/√2, x कंपोनेंट ऑफ
बी कितना हो जाएगा 135 डिग्री, दैट इज 100 कॉस 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 बाई रूट टू, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 90 प्लस वाला क्वाड्रेंट में, तो हंड माइनस और एक्स कंपोनेंट ऑफ सी दैट इज 100 कॉस 315 डिग्री दैट इज 100 रूट टू ऑल्सो, ठीक है तीनों का ऐड एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 रूट टू माइनस, या माइनस में है 100 रूट टू प्लस ये 100 रूट टू, काट कुटा के कितना आएगा, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और ओनली 100 रूट टू बचेगा, ठीक है ओके। और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 100 साइन 45 डिग्री दैट इज 100 बाई रूट टू, वाई कंपोनेंट ऑफ बी ये निकालना है तो 100 साइन 135 डिग्री कितना आ जाएगा 100 बाई रूट टू, और y कंपोनेंट ऑफ c निकालना है तो 100 इंटू साइन 315 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सिर्फ cos अगर प्लस होता है साइन में है दैट इज माइनस 100 बाई रूट टू, तीनों का ऐड करेंगे तो बचा 100 बाई रूट टू प्लस 100 बाई रूट टू माइनस 100 बाई रूट टू, तो दैट इज ये दोनों ख़त्म, ओनली 100 बाई रूट टू बचेगा, तो 100 बाई रूट टू बचा, तो ये एक्स वाई एक्सिस के लिए, ये एक्स एक्सिस के लिए, एक्स मतलब ये तीनों को हम लोग एक्स एक्सिस तरफ मोड़ दिए, इस तीनों को हम लोग वाई एक्सिस तरफ मोड़ दिए, तो अभी जो फाइनल जो आया x और y इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू 100 बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस 100 बाई रूट टू का स्क्वायर, अच्छा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा x और y दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री दैट इज जीरो, तो ये आगे का टर्म हम लोग नहीं लिखते हैं इसको रूट, तो 100 का स्क्वायर को 100 कॉमन ले लेते हैं 100 का स्क्वायर को और रूट से बाहर निकालते हो तो 100 बचेगा 100 ये रूट 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा 1 बाई टू, तो ये हो जाएगा 100 1 का रूट दैट इज 1 दैट इज टोटल आंसर 100, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 100 होगा और कितना एंगल होगा, तो एंगल निकालने के लिए बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, साइन 90 1 कॉस 90 0, तो इसको पूरा टर्म घटा दीजिए और ये पूरा टर्म को 1 हो जाएगा, तो हो गया b बाई ए, बी बाई ए मतलब 100 और 100 बाई रूट टू और 100 बाई रूट टू दैट इज टेन इनवर्स 1, तो ये हो गया आपका 10 का वैल्यू 1 किस में आएगा तो 45 डिग्री में आता है, तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स जो रिजल्टेंट आएगा वो a के बराबर ही होगा, इधर इस 45 डिग्री पर रहेगा, रिजल्टेंट इज 100 और एंगल 45 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 4i और प्लस 3j एंड बी इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो मैग्नीट्यूड्स निकालना है चार
चार क्वेश्चन है इसमें, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना। तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाले, तो आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है वाई और जे आपका वाई एक्सिस को, तो इस तरह से दोनों का बीच का एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, दैट इज 16 प्लस 9 का रूट, ए का वैल्यू है 5, ए का आंसर है, ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा 5। बी का ठीक इसी तरह से निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, दैट इज रूट 25, बी का भी वैल्यू 5 आएगा। सी का पार्ट सी, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन करेंगे, तो दोनों के बीच का एडिशन कैसे करेंगे, एक्स और एक्स और एक्स मैंने आई और आई वाले को एक साथ जोड़ेंगे और वाई और वाई जे और जे वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 आई और 3 प्लस 4 जे, तो इस तरह से इसका निकलेगा क्या, 7 आई प्लस 7 जे। अब इस तरह जैसे इसका निकाल लेते पहले वाले का, तो इस तरह से इसको भी कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, दैट इज 49, ये हो जाएगा आपका 7√2। देखिए डी नंबर में है, इसको डी नंबर को कैसे करेंगे, 4i प्लस 3j, ये a इज इक्वल टू है और b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j है, इसको a माइनस b करना है हमको, तो क्या करना होगा, ये माइनस कर देंगे सबको, साइन चेंज, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आई प्लस 3 माइनस 4 जे, कितना हो जाएगा 1 आई प्लस 3 माइनस 4, दैट इज माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 जे, तो हो जाएगा आई माइनस जे। अब इसको सॉल्व कर देना जैसे इसको सॉल्व किए थे, तो कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी का ए प्लस बी का जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, उस तरह से ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो 90 डिग्री, चूँकि एक्स और वाई का एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री cos 90 जीरो हो जाएगा, तो सिंपली 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और इधर 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 दैट इज √2, दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, ओ ए एक वेक्टर है, डी बी सी एक वेक्टर है और डी ई एक वेक्टर है, एंगल भी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ, तो बोलता है मैग्नीट्यूड निकालना है सबसे पहले और x एंड y कंपोनेंट निकालना है और तीसरा है एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हमको x और y का कंपोनेंट निकालना होगा। तो सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा कि x कंपोनेंट ऑफ OA x इधर x एक्सिस में निकलेगा तो cos थीटा, तो 2 मीटर दिया और 2 cos 30 degree, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, 2 × √3/2 दैट इज √3, x कंपोनेंट ऑफ BC बन जाएगा 1.5 cos 120 डिग्री, क्यों 120 डिग्री, क्यों 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 क्यों, क्योंकि x एक्सिस से ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है,
इधर से 60 डिग्री है, आपको इधर से लेना है x एक्सिस से, इसलिए 120 डिग्री। तो 1.5 इंटू 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे साइन सॉरी कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 1.5 इंटू माइनस साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1.5 इंटू माइनस साइन आगे ले लेंगे साइन 30 का वैल्यू 1/2, दैट इज माइनस 0.75। इस तरह से x कंपोनेंट ऑफ DE एंगल बताइए x से इतना घूमेगा, दैट इज 270 डिग्री, तो हो जाएगा वैल्यू मैग्नीट्यूड है 1 cos 270 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो x एक्सिस का निकल गया, इसी तरह से y एक्सिस का निकालेंगे, y कॉम्पोनेंट ऑफ ओ ए दैट इज 2 साइन 30 डिग्री, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी सी दैट इज 1.5 इंटू 1.5, वाई कॉम्पोनेंट निकालना है ये तो 30 डिग्री ही है, y कॉम्पोनेंट ऑफ बी सी तो 120 डिग्री है, ऐसे निकालेंगे साइन 120 डिग्री करेंगे, और y कॉम्पोनेंट ऑफ डी ई कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन 270 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है, बताइए y ओ ए का वैल्यू मतलब y कॉम्पोनेंट ऑफ ओ ए दैट इज साइन 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का 1/2 दैट इज 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, इसका 1.3 और इसका माइनस 1 हो जाएगा। तो x कॉम्पोनेंट को अलग कीजिए, अलग जोड़िए, y कॉम्पोनेंट को अलग जोड़िए, तो रिजल्टेंट ऑफ x निकल जाएगा आपका 3 का वैल्यू 1.732 माइनस 0.75 प्लस 0 दैट इज 0.98 मीटर, मीटर में है सब, मीटर में इसलिए मीटर कर दिए, और आर वाई यहाँ से लिखिए 1 प्लस 1.3 माइनस 1 दैट इज 1.3 मीटर। तो रिजल्टेंट ऑफ एक्स रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, एक्स और वाई दोनों एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस का 90 डिग्री एंगल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 का 0 हो जाएगा, 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा, तो आर रिजल्टेंट निकल रहा है आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का रूट, तो 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर का रूट, इसको सॉल्व कीजिए देखिए 1.6 के अराउंड आएगा इसका आंसर, 1.6 इज द आंसर। अच्छा अब इसका एंगल निकालना है, तो एंगल किस तरह से निकालेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट तो निकल गया, टेन बीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट कैसे, ये दो है इसका बीच, तो ये अगर बीटा है तो टेन बीटा इज इक्वल टू पी बाई बी करते हैं हम लोग, तो ये पी है ये बी है ये वाई कॉम्पोनेंट है ये एक्स कॉम्पोनेंट, इसीलिए वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट, तो इसलिए वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट किए, तो वाई कॉम्पोनेंट का वैल्यू आया आपका 1.32 बाई 0.98, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका
0.30 और 0.98, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 1.32 आएगा, जो कि बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.32 अप्रॉक्स हो जाएगा आपका 53 डिग्री के बराबर। ये आपका सॉल्यूशन है, एंगल निकलेगा यहाँ से। किसी भी वेक्टर के लिए अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो एंगल निकालना कंपलसरी है, एंगल छोड़ देंगे क्वेश्चन वही आधा छूट गया आपका। तो ये आर का वैल्यू निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया इसका, आर निकल गया मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई का अलग अलग कंपोनेंट कर दिए, और ये तीसरा पार्ट आपका एंगल निकाल दिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसा है, तो टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 और 4 है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, क्या होगा उसका एंगल, जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे दिया है, कभी मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो क्या एंगल होगा, 5 होगा तो क्या एंगल होगा, और 7 होगा तो क्या एंगल। फॉर्मूला होता है आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। तो आपको इसमें 3 और 4 मतलब ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और आर का 3 वैल्यू दिया हुआ है। अगर आर 1 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, आर 5 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, आर 7 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन में इतना ही है। ठीक है, कैसे बनेगा तो सॉल्यूशन देखिए, इस तरह से बनेगा। आर का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा का रूट, रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 3 × 6 = 24 कॉस थीटा, ये हो गया 25 प्लस 24 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस 24/24 दैट इज माइनस वन, तो थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हुआ पहला वाला पार्ट के लिए। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट के लिए, अगर आर का वैल्यू 5 है तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा का रूट, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों का ऐड होगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा, 25 माइनस 25 दैट इज 0 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा का कौन सा मान 0 होता है, दैट इज 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, तीसरा पार्ट है कि 7 कर दिए, 7 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा का रूट, रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 47 × 49 हो जाएगा, 49 ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा, तो इसको इधर ले आएंगे, 25 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस 24/24 दैट इज 1, तो कॉस थीटा का कौन सा मान, कौन सा वैल्यू 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू बताइए दैट इज 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक जासूस वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, अ स्पाई जासूस है, रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए हम लोग कभी भी मैप में बनाएंगे, मैप में देखे हैं तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ईस्ट तरफ भागना है, कितना 2 किलोमीटर, कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से कार को भगाते हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गया, कितना गया 2 किलोमीटर,
मेड परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, अब इधर ऐसे जा रहे लेफ्ट लेफ्ट, हम लोग इस तरह से इधर मुड़ेंगे तो लेफ्ट परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न मुड़े कितना वहाँ से, मतलब 0.5 किलोमीटर। तो इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, ये हो गया 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। मेड परपेंडिकुलर राइट टर्न, हम लेफ्ट मुड़े फिर राइट मुड़ेंगे, कितना चलेंगे 4 किलोमीटर चलेंगे, ये 4 किलोमीटर चल दिए, दैट इज 4 किलोमीटर, एंड स्टॉप, रुक गए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मांगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लिया डिस्टेंस मांगा होता तो सिंपल लिखते हैं 4, 2, 6 और 6.5 किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ मांगा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, माने ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसे ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया, तो दूसरा कलर पेन से करते हैं, ये हो गया 4 किलोमीटर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर टोटल। ये जो है यही हाइट है, दैट इज 0.5 किलोमीटर। तो हम लोग को देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम आया, 6 किलोमीटर और ये हो गया 0.5 किलोमीटर, इसका बीच का रिजल्टेंट निकाल दीजिए कैसे निकलेगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0.5, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बीच का एंगल 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री है। रिजल्टेंट निकालिए, पाइथागोरस का थ्योरम भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट निकल जाएगा 0.5 का स्क्वायर का रूट, ए बी का ए बी वेक्टर, तो ये हो गया 6.02 किलोमीटर, 6.02 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका एंगल अगर डिमांड करें तो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पॉइंट वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, दैट इज 2/1/12, टेन इनवर्स 1/12 विथ एक्स एक्सिस से 1/12 कैलकुलेट करना है, टेन इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/12, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो मैग्नीट्यूड निकल गया 6.02 किलोमीटर, ठीक है, और थीटा निकल गया 10 इनवर्स 1/12।